हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास गुप्ता और सॉल्यूशन बाय बीकेएस के इस न्यू वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हम लोगों का पाइथन कोडिंग प्रॉब्लम है कि राइट ए फंक्शन दैट विल रिवर्स ए इंटीजर इन पाइथन। तो हम लोगों को एक फंक्शन लिखना है जिसमें एज ए इंटीजर हम लोग आर्गूमेंट देंगे और वो उस इंटीजर को रिवर्स करके हम लोगों को रिटर्न करेगा। जैसे हम लोगों का इनपुट होगा 1 2 3 4 5 और वो इंटीजर को, ये इंटीजर में होगा और उसे रिवर्स करके 5 4 3 2 1 वो रिटर्न करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कोडिंग। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। तो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स नेम से, जिसमें हम लोग आर्गुमेंट जो भी होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद पहले तो हम लोग एक रिवर्स नाम का एक फ्लैग बना लेते हैं जिसमें हम लोग इनिशियली 0 इनिशियलाइज कर देंगे। और हम लोग एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप, जब तक हम लोगों का नंबर जो है वो 0 से बड़ा रहे तब तक वो चलता रहे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक कोई वो वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम लोग स्टोर, जैसे रिमाइंडर स्टोर करेंगे। पहले हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर आई होप आप लोगों को पता ही होगा, अगर ये मॉड से हम लोग 10 10 से अगर डिवाइड करेंगे ये इस नंबर को, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का रिवर्स है उसमें रिवर्स में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10, सॉरी 10 नहीं, उस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो सपोज ये इस नम में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 रखा है और ये पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोगों का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 से अगर मैं 10 का वो करूं तो रिमाइंडर आएगा हम लोगों का 5, राइट। तो रिमाइंडर में यहाँ पे हम लोग रख दिए, तो हम लोगों की पहले पहले इटरेशन में हम लोगों में रिवर्स की वैल्यू रहेगी, रिवर्स 0 है, 0 × 10 करेंगे तब भी हम लोगों का 0 ही आएगा। ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे 5, तो पहले इटरेशन में हम लोगों के का रिवर्स वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। ठीक है, और हम नंबर में से वो 10 ड्रॉप कर देंगे ताकि ये जो 1 2 3 4 5 है उसमें से हम लोग ऐसे 10 करेंगे तो 1 2 3 4 बचेगा। तो पहले इटरेशन में रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 5, रिवर्स की वैल्यू क्या होगी, 5, और हमारे नंबर की इटरेशन क्या बचेगी, जो हमारा इनिशियल नंबर है वो बचेगा 1 2 3 4, राइट, क्योंकि हमने वो लास्ट का जो रिमाइंडर था वो निकाल दिया। ठीक है, और ये तब तक ये इटरेशन चलता रहेगा जब तक ये हमारा नंबर जो है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लोग इस रिवर्स को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिवर्स। ठीक है, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, हम अपने कोड को टेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 से ही टेस्ट करते हैं। तो पहले तो आउटपुट, तो ये रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग अपने नंबर को वो पास कर देंगे और देखते हैं आउटपुट क्या आया। तो रन कराते हैं, ये हम लोगों ने फंक्शन लिखा है, इसमें अपना नंबर पास कर रहे हैं और आउटपुट को टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने नंबर पास किया 1 2 3 4 5 और हम लोगों का आउटपुट आया 5 4 3 2 1। तो पहले इटरेशन में हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू 5 हुई होगी, तो 5 यहाँ पे, और रिवर्स की वैल्यू भी 5 हुई होगी। दूसरे इटरेशन में हम लोगों का रिमाइंडर 4 होगा और रिवर्स की वैल्यू होगी 5, और 5 यहाँ पे रिवर्स 5 × 10 इक्वल टू 50 प्लस रिमाइंडर होगा 4, यानी रिवर्स की वैल्यू 54 और यहाँ नंबर की वैल्यू 1 2 3। यहाँ पहले इस इटरेशन में 5 था, ये दूसरे इटरेशन में 4 होगा, ये 5 4 होगा और ये एक वो हो जाएगा। फिर तीसरे इटरेशन में इसकी वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू होगी
543 और इसकी वैल्यू होगी 12। चौथे इटरेशन में इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी जो हमारे रिवर्स की वैल्यू होगी वो होगी 5432, क्योंकि 543 पहले से था, इंटू मल्टीप्लाई बाई वो हो जाएगा 5433। और उसमें रिमाइंडर जो हम लोगों का होगा 2 वो ऐड कर देगा तो हो जाएगा 5432, 5432। और हम लोगों का जो नंबर, जो इनिशियल नंबर होगा, वो रिमाइंडर सिर्फ एक बचेगा, ठीक है। और नंबर में जब हम लोग यहाँ ये करेंगे तो रिमाइंडर हम लोगों का एक आएगा, और ऐसे ऐसे करके हम लोगों का इंटीजर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और पाइथन में एक और ही बहुत इजी वे में हम लोग पाइथन ने एक कन्वीनियंट एक कर देता है कि रिवर्स इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम लोग उसे रिवर्स कर सकते हैं, तो वो हम लोग किसी अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। और ये जो कोड है मैं गिटहब लिंक प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।